एवरीवन, आज मैं आप लोगों को उड़द के वड़े बनाना सिखाऊंगी। तो उड़द के वड़े बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगो लीजिए एक दिन पहले। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसे ग्राइंड करके रख लीजिए। आप देखेंगे इस तरीके से हमने पेस्ट बनाया है उड़द की दाल का, बिना छिलके वाली दाल का। उसके बाद आप इसमें जीरा डालेंगे अपने स्वादानुसार। फिर आप डालेंगे इसमें हरी मिर्च कटी हुई, और उसके बाद आप डालेंगे हरी धनिया, और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। सारी चीज़ें आपस में मिल जानी चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि उसका टेस्ट आ सके। आप उसका टेस्ट थोड़ा अलग करने के लिए अपने स्वादानुसार हींग भी मिला सकते हैं। फिर आप इसे अच्छी तरीके से फेंटिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए इस तरीके से। अब हमारा पेस्ट रेडी है, और थोड़ा थोड़ा लेंगे अपने स्वादानुसार, उसमें नमक मिलाएंगे, और नमक मिलाने के बाद पानी हाथ में लगा करके छोटा छोटा गोला एंड बीच में छेद करके इसे हम डीप फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से। आप इस डिश को ट्राई कीजिए अपने घर में। बहुत ही सिंपल डिश है। जिन लोगों को बाजार के वड़े खाने पसंद है, वो इस तरीके से अपने घर में आसानी से बनाकर इस वड़े का स्वाद ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से ये डीप फ्राई हो रहा है। इसे इस तरीके से आप इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़े ब्राउनिश हो गए हैं एक साइड से, तो अब हम इसे नेक्स्ट साइड टर्न करेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं, एक साइड ब्राउन हो गया है, सेकेंड साइड हम टर्न कर रहे हैं ताकि ये क्रिस्पी बने, सॉफ्ट बने अंदर से। अब आप देखेंगे कि ये वड़े दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं, तो ये रेड तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकालेंगे। ये हमारे वड़े तैयार हैं, और देखिए इस तरीके से दिखेंगे ये फूले हुए, सॉफ्ट क्रंची एंड अंदर से एकदम नरम। आप इसे आम की चटनी, पुदीना और धनिया की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।